Welcome to speedanning.com। क्यों हमारे ऑनलाइन कोर्सेज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्यों इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, इस बात पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसका फायदा पूरी तरह नहीं उठा पाते। तो सीखने का अपना एक सिस्टम, अपना एक मैकेनिज्म, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, उस पर बात करना यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका टीचिंग में फेथ होना। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम माइंडेड, जो हमेशा ये चीज़ देखते रहते हैं कि क्या है जो नहीं है और होना चाहिए। कुछ लोग ये देखते हैं कि क्या है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, फ़ायदा उठा सकता हूँ। अगर थोड़ा सपोर्ट मिला है तो थोड़ा और कुछ कहीं से ढूंढ के, कोशिश करके और मैं अपना काम बना लूँगा, अपना सॉल्यूशन लेके चलाऊँगा। तो टीचिंग में फेथ होना बहुत ज़रूरी। सीखने और नहीं सीखने वालों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आदमी सीख पा रहा है उसको भी शुरू में थोड़ा डाउट है, जो नहीं सीख पा रहा है उसको भी शुरू में थोड़ा डाउट है। बस फर्क इतना है कि जो सीख पा रहा है उसने ट्राई किया, कुछ गड़बड़ हुई तो फिर से ट्राई किया, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाया, सोचा कि यार ऐसे नहीं ऐसे करके देखता हूँ। जो नहीं सीख पा रहा है उसने ट्राई ही नहीं किया। अब सीखने वाले ने जिससे ट्राई किया था उसको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ तो उसको लगा कि यार थोड़ा और करता हूँ, और धीरे 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 वो सही रास्ते को पा गया, उसको सही रास्ता मिल गया और उसको फिर वो कंटिन्यू करने लगा। बाद में तो ये स्थिति बन जाती है कि जो टीचर ABCD पढ़ा रहे थे उन्होंने, मतलब टीचर तो पढ़ाते ही रह गए और बच्चे IPS या IAS बन गए, टीचर तो टीचर ही रह गए। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि ABCD जब आप सीखें तो ABCD का तो इस्तेमाल कुछ भी किया जा सकता है। ABCD से आप अपना नाम लिख सकते हैं, ABCD से आप चाहें तो एक लेटर लिख सकते हैं, और ABCD से आप चाहें तो नॉवेल लिख सकते हैं। तो नॉलेज की अपनी अहमियत अपनी जगह रहेगी। तो ट्रेनीज को क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज आती है वो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कंसिडरेबल टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है आदमी जल्दी में, बहुत जल्दी में। आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में, जनरेशन में तो हम लोग हमेशा यंगस्टर्स को गिन लेते हैं, नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 15 साल से लेके 70 ईयर्स तक का भी जो आदमी है उसकी सोच में एक बात तो हो गई, वो जल्दी में। इसको मैं बोलता हूँ ट्रैफिक सिग्नल कॉम्प्लेक्स। ट्रैफिक सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज़ है कि आदमी खड़ा है वहाँ सिग्नल पे, उसको घर जाके सोना भी है तो भी वो हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है कि उसको बस जल्दी है, सब भाग रहे हैं मैं भी भागूँ, सब सिग्नल तोड़ने को तैयार है मैं भी तोड़ूँ और एकदम जल्दी से सबसे पहले मैं निकल जाऊँ। तो ये जल्दी क्यों, बिना कारण की, बगैर काम की जो जल्दी आप कर रहे हैं वो चीज़ों को बिगाड़ देती है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक ही बात से हुआ है कि आपने जल्दी कर ली। कोई भी स्टॉक पिक करने वाले थे सही समय पे, उसके पहले ही लाव लाव में फंस गए। आदमी गया घर से सोच के गया, उसको पता लगा आज इसका रिजल्ट है, आज इसमें मूवमेंट आ सकता है, 3 दिन से ये चीज़ गिरी थी मैं ये लूँगा। टर्मिनल पे पहुँचा, वहाँ पे 10-12 लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। टर्मिनल पे नहीं पहुँचा और समझो CNBC या कोई दूसरा बिजनेस चैनल चालू किया। अब बिजनेस चैनल ने कोई गलती नहीं की, वो तो अपने तरीके से सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो आप वहाँ पहुँचे और कुछ लोगों ने एकदम से कहा कि यार एक काम करना, लेना मेरे 100 DLF। दूसरे ने कहा चलो मेरे 200 ले लो। तो आदमी ने वहाँ पे बोला चलो मेरे भी ले लो 200, और उसके बाद वो आ गया नीचे। नीचे आ गया तो आपका जो प्लान था वो तो धरा के धरा रह गया। अब उसके ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर नहीं आया, थोड़ा और एवरेज कर लिया, नुकसान बढ़ता चला गया और आप रिएक्ट करने लगे। शाम को आए 2000 रुपये माइनस थे और जो आपने सोचा था वो तो दिमाग में आया ही नहीं कब करें, और जब बीच में कभी एक आध बार ख्याल आया भी होगा तो सोचा कि यार इससे निकलूँ तो उसमें घुसूँ। तो इस तरीके से आप जल्दबाजी की वजह से एक गलत ट्रेन पे, गलत बस पे चढ़ जाते हैं और जिस बस पे आपको चढ़ना था वो गुजर जाती है। तो जल्दबाजी, जल्दी करके आदमी कभी भी मर सकता है, इसके चांसेस हैं। 100 या 120 की स्पीड से या दौड़ती ट्रेन पे चढ़ने में बचेंगे 5 मिनट, जाएगी ज़िंदगी।
और साइकिल से गिर के कोई मरा नहीं आज तक। तो हमेशा ये सोच के जाओ कि मुझे तो ट्रेड अभी करना ही नहीं है, बैठा हूँ देख रहा हूँ। जब सारे लोग फंस गए तब तो कोई तसल्ली वाला आदमी कहेगा ओके ठीक है मेरे लेना थोड़े से 50 शेयर लेना, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, और वो 50 शेयर एकदम से बाउंस करके 6 रुपये ऊपर आया, अपने का बेचोगे 300 रुपये प्लस किए बैठ गए आराम से, तो अगले स्टॉप लॉस का पैसा मिल गया। फिर उस पैसे को अगले स्टॉप लॉस में इन्वेस्ट किया, आपका प्रॉफिट बढ़ के 800 रुपया हो गया। तो एक बटन सही लगाएंगे तो शर्ट के सारे बटन सही लगेंगे, एक बटन गलत लग गया तो पूरे शर्ट के सारे बटन गलत लग जाएंगे। तो ट्रेडिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 ट्रेड का आप क्या करते हो। फिर जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो रहा है मैं बता रहा हूँ। तो सीखने में भी यही बात है कि आदमी ट्रेनी आया, कोई ट्रेनी मेच्योर नहीं है बाजार में, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसने बाकी और कोई काम धंधे भी नहीं किए, बाकी और कोई बिजनेस भी नहीं किए, तो उसको पता भी नहीं है कि यार ये जो 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये कमाने में कितने दिन लगते हैं। अगर कोई और बिजनेस करके आया 5 साल तक 10 साल तक, तो उसको अच्छे से पता होता है कि मैं किसी और बिजनेस में 1,000 रुपये पर डे का नेट प्रॉफिट बचा पाऊँ उसमें 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे 6 महीना भी लगता है तो बोलता है ठीक है हो रहा है हो जाएगा धीरे धीरे। इमेच्योर आदमी का तो ऐसा है चौथे दिन वो बोलता है कि अरे सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो मेरा बार बार स्टॉप लॉस हो रहे हैं और क्या करूं कुछ पता नहीं लग रहा है, मैं सीख भी पाऊंगा कि नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, या तो आपने सामने जो कोच है जो टीचर है या जो कोर्स है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया, आपने उसको जादू समझ लिया और वो जादू निकला नहीं तो आप निराश हो रहे हैं। तो पहले किसी और में बहुत भरोसा कर लिया, फिर आपने उसमें भरोसा करना एकदम छोड़ दिया क्योंकि आप स्विंग करते हैं इस तरफ या उस तरफ, और फिर खुद में तो भरोसा है ही नहीं बिल्कुल भी कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कुछ बता रहा है मैं घास थोड़ी खाता हूँ, कितनी बार गलती करूँगा, अल्टीमेटली तो कहीं कोई सही रास्ता पकड़ में आ जाएगा। और ट्रेडिंग का जो नॉलेज होता है ये एकदम आत्मज्ञान की तरफ लेश होता है, अचानक से वो तरीका आपके पकड़ में आ जाता है, अचानक से ठोकरे खा खा के और आपके अंदर वो सही बात घुस जाती है कि भाई बहुत जल्दी कर ली, बहुत लालच कर लिया, या डरते डरते डर डर के मैंने दिन भर में 2,000 रुपये खो दिए, और मौके पे मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ 290 से चली, किसी ने कहा 290 पे बाई करो, आपने कहा रुको देखता हूँ देखता हूँ, 293 हो गया तो आपने कहा कि चलो ठीक है 92 लगाओ 91 लगाओ, और जब वो 93 से 95 97 98 गया उस वक्त आपने कहा ले लो, तो आप डर रहे थे 92 93 पे और आप 98 पे कूद के और एक बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ गए। तो आखिर आप डर के साथ चलना चाहते हैं या डर के खिलाफ चलना चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इम्पल्सिव जब हम होते हैं तो आवेग में गलत डिसीजन ले सकते हैं, मौके कितने ही छूट जाएं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक मौका जाएगा तो 2 मौके आ जाएंगे, लेकिन पूंजी खत्म हो गई तो फिर आप बाजार से बाहर हो। हाँ, तो ट्रेनीज एक स्ट्रेटेजी को वॉच करता है, वॉच करने के बाद उसने अप्लाई किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, उसको लगा बढ़िया चीज़ है मैं रोज़ यही करूँगा, अब कल क्या मार्केट है क्या कंडीशन है वो उसी स्ट्रेटेजी को फिर से लगाया जा रहा है, और वो अगर फिर फेल हो गई बोले नहीं यार मज़ा नहीं आया बेकार है, या पहले दिन स्टॉप लॉस हो गया तो आपने कहा चलो अब कुछ नया जादू बताओ नई स्ट्रेटेजी बताओ। कोई भी स्ट्रेटेजी को चेक करना है 10 या 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक करेंगे, और उन 10 दिनों में देखना है कि 6 से 7 दिन किस तरह के रिजल्ट आए। अगर मैंने आपसे कह दिया कि क्रूड में 4-4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम करो, 2 स्टॉप लॉस गए नहीं बोले दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हो जाते, अगर 10 दिन तक मैं गिन लूँ कि चलो 8-8 पॉइंट हर रोज जा रहा है तो टोटल तो 80 पॉइंट जाने वाला है ना, आप करके तो देखो, चौथे दिन ही आपको कम से कम 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे और उसके बाद आप डर के पार हो जाओगे। तब तक आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि सही टाइमिंग सही तरीका क्या है, वो छोटी सी गलती क्या हो रही है जिसकी वजह से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, इतना पता लग जाए कि यार ये 3685 पे मैंने लिया, 3681 पे आया, मेरा स्टॉप लॉस टच किया निकल गया, तो आपने थोड़ी सी डिफेंसिव बाइंग लगाई, 83 का बाइंग लगाया और 79 का स्टॉप लॉस लगाया, अब की बार आपका स्टॉप लॉस बच गया और आपको सीधा 10-15 पॉइंट मिल गए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ होती है आदमी किसी एक चीज़ पर प्रैक्टिस करने या फोकस करने के बजाय दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज और नॉलेज चाह रहा है, कई सारी चीज़ों पर बात करने से उसको तसल्ली होती है कि अब ये और सीख लूँगा तो शायद कोई जादू हो जाएगा,
लेकिन कितना भी सीख लोगे अगर आप में डिसिप्लिन नहीं आ रहा है और आपको प्रैक्टिस करने का पेशेंस नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम बार बार कहते हैं चलो अब नया टॉपिक बताओ, चलो अब नया कुछ सिखाओ, चलो अब नया कुछ बताओ, तो आप यहाँ पे टॉपिक खत्म करने या कोर्स खत्म करने नहीं आए हैं, आप आए हैं बिजनेस को सीखने और पैसे पैसे को बनाने, प्रॉफिट को मेंटेन करने। प्रॉफिट बाय चांस हो गया तो वो आपकी कलाकारी नहीं है आप, और स्टॉप लॉस हो गया तो वो आपकी गलती नहीं है हमेशा। क्योंकि तो बाजार खुला 90-100 पॉइंट प्लस, मैंने कुछ खरीदा और वो आगे बढ़ा नहीं और अल्टीमेटली 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चला गया, तो आपकी क्या गलती है? आप तो अगर लॉजिकली सही हो, आपने सही निर्णय लिए थे, तो स्टॉप लॉस होना तो कोई गलती नहीं है। तो उसमें मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ तो ना आपकी गलती है ना टिपर की गलती है। बाजार में आज जो मूवमेंट नहीं हुआ कल को मूवमेंट होगा जब मार्जिन मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखना कि सबसे अच्छा दिखने वाला मार्केट ट्रेडिंग के लिए सबसे बुरा होता है। अगर 80 पॉइंट प्लस खुल गई निफ्टी या 3% प्लस खुल गई सिल्वर, तो अब चलने को कुछ बचा नहीं, वो वहीं के वहीं घूम फिर के वहीं बंद हो जाती है और आप कुछ कमा नहीं पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रेंज मिली नहीं ट्रेडिंग की, तो उसमें किसकी गलती है? आज नहीं मिली, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, कहाँ कुछ जा रहा है? आपने थोड़ी लोन उठा रखा किसी बैंक से। उसके बाद आपको वो चीज सीखनी है कि सिंपल माइंडेड बने, बहुत कॉम्प्लेक्स बनने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को बहुत सिंपल बनाइए। और जितना सिंपल करते जाएंगे चीजों को, हर जैसे हमारी स्ट्रेटेजी आपने सीख ली, उसके बाद इंटरनेट का बहुत सारा नॉलेज भी इकट्ठा कर दिया उसमें, और बहुत सारे टिपर्स की अलग अलग बातें सुन ली, और अब वो सब मिक्सअप कर रहे हैं, तो आप किसी एक रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं। रास्ता कोई बुरा नहीं है, जो वो बता रहे हैं उसको भी अगर पूरे सिस्टम के साथ फॉलो करोगे तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो हम बता रहे हैं उसको भी पूरे सिस्टम के साथ फॉलो करोगे इसके कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन मन मन एक खेल खेलता है, वो जब भी तीन चीजें साथ में लेके चलता है तो एक जगह पे थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो बाउंस करके जंप करके वो कहेगा नहीं यार ये नहीं, अपन तो वो करेंगे, फिर वहां कोई तकलीफ हुई जंप करके इधर आ जाता है और अल्टीमेटली काम कहीं नहीं करता। तो मन के इस धोखे से बचना है। और फिर दूसरी बात है, शुरू से बड़ा वॉल्यूम कर लिया या सीधे ऑप्शन या फ्यूचर में चले गए और वहां एकदम से प्रॉफिट मिला तो भी मरेंगे आप, क्योंकि एकदम से प्रॉफिट को पचाना मुश्किल है और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत सारे ज़्यादा लालच में फंस जाएंगे और ऐसी गलती कर सकते हैं कि आप सीधे बाजार से बाहर हो जाएंगे। बाजार से क्या, लाइफ से बाहर होने की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि एक इंसान ने तेजी के दौर में बाजार में एंट्री की, 6 महीने तक वो काम करता चला गया, 6 महीने तक उसको कोई ऐसा मौका देखने को नहीं मिला कि कोई भी चीज़ फंस गई, 1000-2000 शेयर ले लिए रखे हुए हैं, फ्यूचर ले लिए, 2-2, 3-3 एवरेज कर लिए, बाद में भाव आ गया 7वें दिन, तो ठीक है भाव आ गया निकल गए, प्रॉफिट लेके ही निकले। अब 6 महीने बाद एक बड़ा लॉन्ग करेक्शन आया, वो फ्यूचर एवरेज करते गए, अल्टीमेटली फ्यूचर में एक एक फ्यूचर में 4-4 लाख रुपये लग गया, 5 फ्यूचर इकट्ठे कर रखे थे 15-20 लाख रुपये लग गए, और अब जितना कुछ था घर बार बेचने की भी नौबत आ सकती है। तो हम कहते हैं जब तक आपने कोई बड़ी मंदी नहीं देखी तब तक तो आपका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। आप समझना मत कि बाजार को आप जानते हैं, बाजार के सिर्फ एक मूड को देखा है आपने, है ना? तो ये सगाई और शादी जैसा फर्क है, इसको याद रखें। ये सगाई, शादी के पहले सगाई में आपको वो जो ट्यूनिंग, वो जो प्यार नजर आता है 24 घंटे साथ रहने के बाद क्या फील करेंगे वो हम उसी वक्त देखेंगे। तो चढ़ते हुए बाजार में, चढ़ना तो सभी को आता है, उतरना किसको आता है? उतरते हुए बाजार में अगर आप अपने 1 लाख का 60,000 बचा के भी टिक पाओ और वापस उस 60,000 को 80 और 80 से 1 और 1 से 1 20 ले जा पाओ, तो फिर माना जाएगा कि हाँ भाई अब यहाँ पे आप शामिल हो गए हो, इस बाजार को समझने लगे हो, जानने लगे हो। ठीक है, तो बड़ा वॉल्यूम करने से, बड़ा प्रॉफिट या लॉस होने से आपका सीखने से ध्यान हट जाता है सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट आते ही लगता है कि बस अब प्रॉफिट आ ही रहा है तो सीखना क्या, ठहर के फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती। या बड़ा लॉस आ जाए तो आप डिमोटिवेट और डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि लॉस आते ही घबराहट होती है कि एक दिन अगर 2000 रुपये लग गए तो आदमी का दिमाग काम ऐसे करता है कि आप पूरे महीने में अगर ऐसे पैसा लगता रहा तो 25 दिन में तो 50,000 लग जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। ये अपने आप को भूत से, एक काल्पनिक भूत से डराने की बात मत कीजिए, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि आप इतने मूर्ख थोड़ी हैं
कि 10 दिन तक लगातार 2000 जा रहा है तो 11वें दिन काम करेंगे, वो भी उसी तरीके से करेंगे। हर चोट के बाद हमको ऊपर वाले ने इतनी अकल दी है कि हम कोई ना कोई चोट से बचने का तरीका, चोट से सीखने का तरीका निकालते हैं और एक हल निकाल के लाते हैं। आपको अपने आप पे अभी भरोसा हो ना हो, लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ कि आप में भी उतनी ज़्यादा समझ और अकल है कि अगर आपने खुद को मौका दिया तो आप डेफिनेटली जीतने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि 3 साल तक अगर कोई टिक गया तो हर किसी के दिन पलटते हैं, है ना। तो हर आदमी यहाँ पे जीतेगा अगर टिक जाएगा तो शुरू में रन बनाए बगैर भी आप टिक के अपनी आंखें जमाओ। उसके बाद 20-30 ओवर गुजर गए तो बस छक्के चौके मारने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।